हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। फ्रेंड्स, इस वीडियो में बात करने वाला हूँ आप अपने क्रोम वाइट स्टूडियो पे अपने लेटेस्ट वीडियो परफॉर्मेंस को कैसे एनालिसिस कर सकते हैं, अपने यूट्यूब चैनल के वीडियो को कैसे एनालिसिस कर सकते हैं, इस वीडियो में बताने वाला हूँ। फ्रेंड्स, चैनल पर बने रहे, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक कर दें। आपको अपना क्रोम ब्राउजर ओपन कर लेना। फ्रेंड्स, जैसे ही ओपन हो जाए, मैंने यहाँ पर सर्च कर लिया वाइट स्टूडियो एप्लीकेशन। फ्रेंड्स, जैसे ही ओपन हो जाए क्रोम ब्राउजर में, उसके बाद फ्रेंड्स आपको डेस्कटॉप साइट ऑन कर लेना है। यहाँ से जैसे ही ऑन हो जाए फ्रेंड्स, उसके बाद आपको डैशबोर्ड के ऑप्शन में क्लिक करना है। जैसे फ्रेंड्स ये ओपन हो जाए, फिर जैसे आप डैशबोर्ड के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे फ्रेंड्स, तो आपको कुछ इस प्रकार का इंटरफेस शो होगा। फ्रेंड्स, थोड़ा मैं जूम कर लेता हूँ इसको। फ्रेंड्स, जैसे मैंने थोड़ा जूम कर लिया है, उसके बाद आपको कुछ ऑप्शन यहाँ पर शो होंगे। फ्रेंड्स, जैसे यहाँ पर एक ऑप्शन है लेटेस्ट वीडियो परफॉर्मेंस का, तो फ्रेंड्स इसको कैसे एनालिसिस कर सकते हैं, ये क्या चीज़ है। फ्रेंड्स, अगर आपने कोई वीडियो रिसेंटली अपलोड किया तो यहाँ पे शो होने वाला है लेटेस्ट वीडियो परफॉर्मेंस में, तो इसको एनालिसिस कैसे कर सकते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ इसको क्लिक करना है। फ्रेंड्स, आपको जैसे आप एक बार क्लिक कर देंगे तो यहाँ पर इस वीडियो को एनालिसिस कर पाएंगे आप। फ्रेंड्स, इसमें देख सकते हैं आप इसका व्यू कितने आए हैं इस वीडियो पे, ये सारे आप एनालिसिस कर सकते हैं यहाँ पे। तो उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। जरूर चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक कर दें। मैं बेल दर में सुबह में तब तक चल पाए।